एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक सगीट में स्थित नगला भजुआ गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 14 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 9 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रमेश चंद्र को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1800 की आबादी एवं 1100 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 275 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 350 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 47 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 60 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, तालाब का सौंदर्यकरण, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान ग्राम नगला भजुआ, नाम रमेश, जिला एटा, तहसील एटा, थाना रिजोर का निवासी हूँ। और मेरे गांव में हमने जब से हम प्रधान हुए हैं तब से हमने 2 इंटरलॉकिंग 600 मीटर और 2 RCC और 150 मीटर खड़ंजा, 170 मीटर के करीब खड़ंजा और 2 नालियाँ और मनरेगा में तालाब की खुदाई कराई थी, थोड़ी सी हो पाई और सड़कें भी 2-3 पड़ी और मतलब आवास भी मतलब 10-12 बन गए, 1 लोहिया आवास बन गया और हमारे यहाँ शौचालय में भी मतलब काम किया है हमने, तो शौचालय में 160 के करीब बन चुके हैं और थोड़े से बचे हैं वो। मैं जो है प्रधान होने के हैसियत से हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में एक तो पहली बार गया है बारात घर नहीं है और ना ही पंचायत घर है, ना आंगनवाड़ी केंद्र है, और ये जो है हमें मिल जाए तो हमारे गांव में मतलब ठीक ठाक विकास हो जाएगा और लोगों को उसका जो लाभ मिल जाएगा। तालाब है, समीकरण है तालाब का और मतलब मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबों के लिए आवास मुहैया कराए जाएँ। हालांकि 10 आवास बनवा दिए हैं लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो रही है और मांग करने की हम गुजारिश कर रहे हैं, कुछ और मिले तो। हमारे मम्मी जी का नाम है तेजा देवी, वैभव सतप्रकाश। हमारे मम्मी को यह लोहिया आवास जो मिला था, इस आवास के लिए हमको केवल 2 किस्त अप्लाई हुई है और अभी तक तीसरी किस्त अप्लाई नहीं हुई है। न ही कोई सामान मिला है और ये कहते हैं अधूरा काम रह गया हमारा होने को। ये कहते हैं कि आप कोई सामान नहीं मिलेगा, नहीं कोई पैसा मिलेगा। ये सेक्रेटरी भी यही बात कहते हैं, यही बात प्रधान भी कहते हैं कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप जो मिला है वो इतना ही मिलेगा बस।